दोस्तों सर्कुलर मोशन को सीखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको सर्कुलर मोशन आता है तो आप रोटेशन और SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को भली भांति सीख सकते हैं, वहाँ से भी तीन तीन सवाल आते हैं। यानी कि अगर एक पार्टिकल किसी सर्किल में घूम रहा है तो वह 9 सवाल बना रहा है, हिंदी में बात करते हैं। तो कुल मिला के आइए चलते हैं, तो बेस को ठीक करते हैं, बेस को सीखते हैं। पहले देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। हमेशा की तरह हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे जिसको अपेक्स एक्सिस समझते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच लें जिसको आप वाई एक्सिस समझते हैं, एम राइट। अब देखिए अगर कोई पार्टिकल है वो एक सर्किल ऑफ रेडियस आर, ये मान लीजिए पी पार्टिकल है, सर्किल ऑफ रेडियस आर की सर्कमटेंस पे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है मोशन सर्कुलर कहलाएगा। यानी अगर कोई पार्टिकल किसी सर्किल के रेडियस पे मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर कहलाएगा। लेकिन आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ रहे हैं? रोटेशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं चलेगा। SHM में क्या होगा कि वो चलेगा एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब ड्रॉ करेंगे तो आपको सर्कुलर नजर आएगा। तो यहां पे हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की परिभाषा आपने सीख ली थी कि अगर कोई पार्टिकल है रेडियस सर्किल ऑफ रेडियस आर पे मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर उसकी स्पीड, क्योंकि सर्किल है तो एंगल है इसलिए हमने उसको एंगुलर स्पीड मान ली, अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, अगर एक पार्टिकल किसी सर्किल के रेडियस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? इस ओमेगा को निकालिए। तो आपने कहा ठीक है, अगर बेटा तुम ओमेगा कांस्टेंट है तो एक निश्चित समय पे एक पूरा चक्कर लगा रहे होंगे, और एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं आप? टाइम पीरियड। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है कि ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं, एम आई राइट? एंगुलर वेलोसिटी, कई सार वेलोसिटी कुछ भी हो वो क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बॉडी आपकी कहां घूम रही है बेटा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल घूम रही है। यानी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर हमारी बॉडी यूं घूम रही है। मामला एंगुलर वेलोसिटी का था तो जाहिर सी बात है तो डिस्टेंस कौन सा लोगे? एंगुलर डिस्टेंस भी तो लोगे बेटा। जब एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं होगा। एंगुलर मतलब एंगल, पूरा एक एंगल कितना हुआ आपका बेटा? 2π। और आपने कहा था कि ये जो बॉडी है भले यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, पूरा ये चक्कर लगाने में टी टाइम लेती है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2π/T होगी, एम आई राइट?
टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसको टी कहते हैं। अगर मान लीजिए पार्टिकल आपका बड़ा बदतमीज है, बहुत तेजी घूम रहा है, गुन 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 गुन, यानी एक सेकंड में मान लीजिए चार चक्कर लगा रहा है या पांच चक्कर लगा रहा है, तो आपको क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी, कि भैया किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हो, यानी कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड लगा रहे हो। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर इफ एन बी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन, भैया हमने इतने चक्कर लगा दिए, लेकिन ध्यान देना पर सेकंड, तो आप जानते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? वन अपॉन टी के, टाइम पीरियड का इन्वर्सली होता है। अरे भाई एक चक्कर लगाने में इतना रहता है तो इतने चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम टी नहीं क्या जाएगा। तो आपकी जो पहला फार्मूला था वो बन गया ओमेगा इक्वल टू टू पाई, वन अपॉन टी की जगह आप एन लिख सकते हैं, एम राइट? तो ये दो चीजें सीखी आपने कि भैया अगर कोई बॉडी है वो किसी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पे रेडियस आर पे अगर घूम रही है, किसी सर्किल ऑफ रेडियस आर पे घूम रही है, तो आपका जो है ओमेगा इतना होगा। तो बेटा आप सीख गए हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी सर्किल पे के रेडियस आर पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जो उसका एंगुलर डिस्टेंस और जो टाइम होगा उसका जो रेशियो होगा वो उसकी एंगुलर स्पीड होगी। मान लीजिए पार्टिकल आपका पी यहां था टी बराबर जीरो पे, और टी समय में वो यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, ये पी यहां पहुंच गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चला? थीटा चला। टाइम बेटा कितना लिया उसने? यहां से यहां तक पहुंचने मान लीजिए टी सेकंड लिए। तो आपने कहा क्या हो जाएगा? कह लगे सर आप ही ने तो बताया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको आप कह रहे हैं ओमेगा से लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि अभी आगे थीटा को यूज करेंगे, ओमेगा टी वो यहीं से निकाला था, समझ रहे बेटा, यहीं से निकाला था। आप वैज्ञानिक हैं इसलिए बदतमीज है, तो आप कहेंगे कि सर अगर हमारा थीटा टाइम डिपेंडेंट हुआ तो हम कहेंगे यार उसकी जो फिजिक्स निकलती है वो ऐसी निकलती है कि अगर बहुत छोटा हुआ, भाई यहां से यहां चला तो इसमें डिफरेंस आया, यहां पे कुछ टाइम होगा, यहां पहुंचा होगा, इस टाइम का डिफरेंस ओमेगा हुआ, अगर ये बहुत छोटा हुआ तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इतनी चीज को आप क्या कहते हैं सर? कहना आप ही ने तो पहले दिन सिखाया था डी वाई डी टी, और ये क्या है? थीटा। तो अगर हिंदी में बात करें तो आप चार फार्मूले सीख गए हैं जो बहुत काम देंगे एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्कुलर मोशन में, ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी, अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो टू पाई एन हो गया, और आप जानते ही हैं कि ओमेगा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टाइम एंगुलर नहीं होता, टाइम तो टाइम ही होता है ये, और अगर थीटा टाइम डिपेंडेंट है तो ओमेगा निकालना बहुत आसान है, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू। हालांकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आप चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए
कि सर जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तो एक्सेलेरेशन नहीं होता है, तो क्या यहां एक्सेलेरेशन जीरो होगा? एक अच्छा सवाल है, यहां पे भी एक्सेलेरेशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यहां पे जो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तभी सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए आपको एक्सेलेरेशन भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहां पे इतनी चीज जानिए, जिस तरह आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है और डी थीटा बाई डी टी किया, अगर ये टाइम डिपेंडेंट है, ओमेगा भी टाइम डिपेंडेंट आ गया, तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं कि आप एंगुलर एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा टाइम डिपेंडेंट है तो आप जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा जिसको कहते हैं वो डी ओमेगा बाई डी टी होगा। हालांकि इसका बहुत उपयोग यहां पे नहीं करेंगे, लेकिन जब रोटेशन करेंगे तो रोटेशन में अल्फा का बहुत उपयोग होता है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने समझा कि अगर एक पार्टिकल किसी सर्किल में मूव करता है, उसकी सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करता है, एंगुलर वेलोसिटी से करता है, तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। और ये ओमेगा चार तरीके से निकाल सकते हैं, 2π/T, 2π/nn नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड है, आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर थीटा टाइम डिपेंडेंट है तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा अगर टाइम डिपेंडेंट है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। देखो बेटा, आपने इतना देख लिया कि बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कि आपकी बॉडी क्या हो रही है। अरे बेटा, वो यहां से यहां तो चली, यानी कुछ तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। हालांकि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये था, लेकिन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिला, क्योंकि रेडियस ऑफ आर पे घूम रही थी, तो इसका मतलब है कि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कोई संबंध है। इसी तरह बॉडी चली है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी थी, तो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का कोई संबंध है। इसी तरह उसके पास एक एक्सेलेरेशन थी ट्रांसलेटरी, तो ट्रांसलेटरी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन से कोई संबंध है। तो बेटा, अगले उसमें हम निकालने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी टू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन टू द एंगुलर एक्सेलेरेशन। देखिए, फिर वही काम कीजिए, इसको मत भूलिएगा। सोती सर ने क्या कहा, हर सवाल का एक डायग्राम बनेगा, तो सर्कुलर मोशन में कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा बनेगा, पैराबोला का आपने देख लिया था, तो डायग्राम बनाने से अब डरते नहीं है। मान लीजिए ये पॉइंट पी था, टी बराबर जीरो पे था, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये सर्किल था जिसके रेडियस में आर जा रहा था, और भाई साहब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ इन्होंने एस किया और यहाँ पहुंच गई है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करा ये किया। सोते सर के टीचर ने 2 रुपए 14 पैसे में क्या सिखाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमको बहुत महंगा पड़ा 2 रुपए 14 पैसे, क्योंकि उन्होंने सिखाया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जब हम एनडीए पास करके गए तो इंटरव्यू में यस सर नो सर करते रह गए, वरना आज ब्रिगेडियर होते। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए, इसको देखिए, अगर इसको एक हम ट्रायंगल मान ले छोटा सा, तो क्या हो गया बेटा, ये एंगल हो गया, ये इसकी आर्क हो गई यानी चाप हो गई, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो आपने कहा सर कोण बराबर आर्क मतलब चाप अपॉन रेडियस, काम बन गया।
यानी एस इज इक्वल टू आर थीटा। बस राजा बनारस एक बार डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट को, आर कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी आर, ये आ गया रेट ऑफ डी थीटा बाय डी टी, अभी आपने देखा था ओमेगा के बराबर था। एक बार इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए डी ओमेगा बाय डी टी सिखाया था आपको, ये आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है आर, और जाहिर सी बात है अभी अभी सिखाया था डी ओमेगा टी टी इज इक्वल टू अल्फा। ये हो गया तीसरा। देखो बेटा आप कह रहे हैं कि सर बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट आता है। कैसे आता है उसी को सीखना है, वो कितना होता है वो भी निकालना है। ये बॉडी तो आपने कहा कि सर जब इसको आगे बढ़ना होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी जो अभी अभी आपने निकाली थी आर ओमेगा तो ये रही होगी, जब ये यहां पहुंची होगी बॉडी तो क्या हुआ होगा इधर हुई होगी इधर चल रही होगी, इसी तरह जब बॉडी घूम रही थी तो इधर जा रही होगी, सर्कुलर मोशन करना है तो जब इस पॉइंट पे होगी तो इधर होगी, इसी तरह अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो इधर होगी तो इधर होगी। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है वी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शंस क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हैं क्या जानते हैं कि भाई साहब अगर या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कोई बात नहीं अच्छी बात है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी रेट ऑफ चेंज मिलेगा, आप जानते हैं वेक्टर में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगा तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो कितना मिलेगा वो तो निकालेंगे, पहले निकालें कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्योंकि वो भी तो वेक्टर होगी। आपने कहा भाई साहब यहाँ से यहाँ एकदम से नहीं हुआ होगा, जब बॉडी चल रही होगी तो हर क्षण आप देख रहे होंगे, तो मान ली इस पॉइंट पर होगी तो इसका ये घूमते घूमते नॉर्मल होगी होगी, इसका नॉर्मल हुई होगी। तो कहने का क्या मतलब है, जब इधर जा रही थी तो कोई ना कोई खींच रहा होगा, कोई ना कोई इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा अपनी तरफ, वरना तो ये तो जो शूम चली गई यहाँ थी तो इधर चले गए तो कोई तो खींच के लाएगा। तो यहाँ से यूं जा रही थी यहाँ पे यहाँ जा रही थी, इसका मतलब क्या है कोई इनको अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ इनको खींच रहा है, ये जा रहे थे इधर तो जब इधर खींच के लाए हैं तो कोई ना कोई इनको अपनी तरफ खींच रहा होगा। मैं ज़्यादा बनाना नहीं चाहता हूँ बोर्ड गंदा हो जाएगा, राइट। तो जब यहाँ होंगे तो क्या होगा कोई अपनी ओर खींच रहा होगा, तो खींच रहा होगा तो क्या कर रहा होगा फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स बराबर क्या होता मास इंटू एक्सेलेरेशन, अरे मास तो कांस्टेंट है तो जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलेरेशन होगा, इसका मतलब है कि एक एक्सेलेरेशन इधर की तरफ लग रही होगी टूवर्ड्स सेंटर, इसी एक्सेलेरेशन को हम लोग कहते हैं टूवर्ड्स सेंटर लगती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए भले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखिए हर जगह वी है, एम आई राइट, कहीं चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रहा है बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो मोशन सर्कुलर नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए उसको डायरेक्शन चेंज करना होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए पार्टिकल को एक फोर्स लग रहा होगा टूवर्ड सेंटर, मास कांस्टेंट इसका अलग एक एक्सेलेरेशन लग रही है टूवर्ड सेंटर। दूसरी बात आप कह रहे हैं एक्सेलेरेशन वी कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी टी जीरो होगा, अरे बेटा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, इसकी वजह से आपको एक्सेलेरेशन मिल रही है, उसी एक्सेलेरेशन को
आप सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो दोस्तों हमको अगला टॉपिक यह है कि इस एसी को प्राप्त करना कैसे करना पड़ेगा, ये बात आप समझ गए हैं। इस डायग्राम को फिर मिटा रहा हूं और केवल एक छोटा सा लेके चल रहा हूं। इसमें तो काफी चीजें आपने देख ली थी। अब देखिए बेटा, हमने कहा कि ये हमारा पार्टिकल था, ये रेडियस आर था, बड़ा वाला ले लेते हैं, और ये बॉडी जा रही थी। पार्टिकल हमारा पी बहुत सज्जन आदमी था, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, और टाइम टी के बाद वो यहां से यहां पहुंचा है और एंगल उसने थीटा बनाया है। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, इसलिए जहां थीटा लिखना होगा वहां ओमेगा टी लिख लेंगे। इतना आप सीख गए। अब इसको देखिए, अगर हम इसको वेक्टर मान लें तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं बेटा आपको आर के, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, am I right? स्मॉल आर ले ले, बड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। शुरुआती यहीं से की है कि एक पार्टिकल है किसी सर्कल रेडियस आर में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो हमने कहा भाई साहब आर आप एक वेक्टर हैं, तो अगर इसको देखें ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, काफी चीज देखने मिलेंगी यहाँ से, सवाल अच्छे बनते हैं। तो आर जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, बस यही से काम बन जाएगा बेटा आपका। आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो आई से रिप्रेजेंट हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है, am I right? तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर साइन थीटा जे से। हमने अभी अभी आपको सिखाया है, ताजा ताजा सिखाया है, क्या सिखाया है, क्या सिखाया कि थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं, यही आप चाहते थे, इसी का हमने आपको एक्सपर्ट बनाया है कि बेटा टाइम डिपेंडेंट आ जाए फिर तो आप क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर करके कर करके कर करके पहुंच जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो पहली इक्वेशन आपकी बड़ी बढ़िया बन गई, किसकी बन गई, डिस्प्लेसमेंट को किसी टाइम टी पे पार्टिकल पी का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय क्या डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम डिपेंडेंट, वो ये हो गया। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन मिल गई तो समझ लेना मोशन सर्कुलर है, सामने दिख रहा है। क्या करोगे बेटा, एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एम आई राइट, और डी वाई डी आप ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा आई हो जाएगा। आर कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी इंटू डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का ओमेगा, ये हो गया। क्या मिल गया बेटा आपको, वेलोसिटी मिल गई, साइन ओमेगा टी आई प्लस आर कॉस ओमेगा टी ये। क्या चाहिए थी आपको, आपको तो चाहिए थी यह वाली एक्सेलेरेशन जो टूवर्ड्स सेंटर की तरफ आ रही है अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर। बस आपने कहा एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा टी ओमेगा हो जाएगा जिसको गुणा के ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉस आर ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस माइनस साइन
ओमेगा टी इंटू डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, यही वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये किधर है? वर्थ सेंटर है। एक चीज देख रहे हैं भाई सर, यहाँ पे अगर ये माइनस कॉमन ले लेंगे, am I right? तो क्या होगा, एक माइनस चिन्ह है, तो जो निगेटिव साइन है बताता कि ऑलवेज टूवर्ड सेंटर, आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी हो गई, ये सर्कुलर मोशन का एक्सेलेरेशन हो गया। आपने कहा सर मैग्नीट्यूड निकालो, अरे भैया खूब वेक्टर सिखाया, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वेक्टर फिर से पढ़ लेंगे। इसका स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, अरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड। लाइए कर दें, वरना आप लोग कहेंगे आई है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से निकल के बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर वन के। तो आप कहेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। माइनस साइन लिख दूं मैं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोस्तों आप सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन पे पहुंच गए हैं, आर ओमेगा स्क्वायर हो गया है, और आपने देखा था ये आपका रेडियस वेक्टर था, उससे आप वेलोसिटी वेक्टर पे आए, उससे आप एक्सेलेरेशन वेक्टर आए। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, उसको पहले देख लें। फिगर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है, उसमें आपको रेडियस वेक्टर दिख रहा है, आपको वेलोसिटी वेक्टर भी दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और एक्सेलेरेशन वेक्टर दिख रहा है। तो यहाँ सवाल बनता है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन रेडियस वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? तो जाहिर सी बात है v और r परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह देखिए वेलोसिटी और सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहीं भी होगा। देखिए सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर लगती है, सी वेलोसिटी आपका वर्टिकल जा रहा है, तो कहीं भी होगा पूरे थ्रू आउट मोशन वेलोसिटी वेक्टर और ये आपका एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखिए आर इधर जा रहा है और ए सी इधर आ रहा है, तो आर वेक्टर और ए सी वेक्टर आपस में क्या हुए? एंटी पैरेलल हुए। अगर दोनों एक डायरेक्शन में होते तो पैरेलल होते, आर वेक्टर तो ये चल रहा है और ए सी हमेशा इधर आ रहे, तो आर और ए सी एंटी पैरेलल होते। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से रेडियस वेक्टर काम करता है, किस तरह वेलोसिटी वेक्टर करता है, किस तरह एक्सेलेरेशन वेक्टर करता है, और आप यहाँ पे पहुँचते हैं। साथ में एक चीज़ और आपने सीख गए, क्या सीख गए आप कि भाई इन वेक्टरों के बीच में एंगल कितने होते हैं? लिख लें V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर, वी आर परपेंडिकुलर है। सवाल बनता है कंपटीशन में वी और ए सी परपेंडिकुलर है और आर ओ ए सी, देखिए बेटा आर एंटी पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए एंटी पैरेलल कहलाते हैं। एम आई राइट? अभी आपने देखा था, क्या देखा था कि पहले एसी नोट कर लें किसके बराबर है? आर ओमेगा स्क्वायर के।
तो आपने कहा हमने मेहनत की, ए सी इजिकल टू आर ओमेगा स्क्वायर निकाला, और आपने कहा कि सर जब हम ये निकाल लेते तो जान लेते वी इजिकल टू आर ओमेगा। तो जाहिर सी बात है ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी अपान आर लिख सकते हैं, वी अपान आर लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा था कि जो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन होती है वो वी स्क्वायर अपान आर भी होती है। अगर हम आर को हटा दें उसकी जगह वी अपान आर लिख सकते थे, आर हटा दे तो वी अपान ओमेगा हो जाएगा, वी इनटू ओमेगा। तो आपके कक्षा 11 में आपके मास्टर ने एंगुलर जो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन थी वी स्क्वायर अपान आर बहुत बताई थी कि साहब ये वी स्क्वायर अपान आर होता है, लेकिन आप कंपटीशन में आर ओमेगा स्क्वायर पे बहुत से सवाल लगाएंगे क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा जो है थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट होगा, वी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन बदल रही है इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो ए सी इजिकल टू आर ओमेगा स्क्वायर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी। बेटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हमारा एक पुराना रिश्ता है, इसलिए उसको भी यूज करके आपको सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन निकालना सिखाएंगे, कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ती है। उधर तो आपने मैथमेटिक्स लगा ली थी, वेक्टर लगा लिया था, निकाल लिया था, देखिए पार्टिकल था बेटा, तो आपने कहा कि ये चले वी वेलोसिटी से, एवर राइट आफ्टर टाइम टी ये इसके नॉर्मल हो गए, कहें मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का कांस्टेंट था, एम आई राइट, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पड़ रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, इसकी वजह से एक्सेलेरेशन मिल रही है और सर्कुलर होने के लिए क्या होगा टूवर्ड्स सेंटर मिलेगी, वरना तो ये चले गए थे। आइए इसको यूज करते हैं, ये वेक्टर वी था और वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होती, बस उसकी डायरेक्शन बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए यानी यहां तक ले आया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो भी मिलेगा वो ये मिलेगा इनिशियल टू फाइनल। ज्योमेट्री से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं करूंगा नहीं, अगर इसने थीटा चला है तो ये एंगल जो है वो थीटा ही होगा, थोड़ा चला है तो थोड़ा थीटा हो जाएगा। हमारे मास्टर सिंह ने वही सिखाया था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सब कुछ अच्छा था, राइटिंग अच्छी, दिमाग अच्छा, सब कुछ अच्छा, रिटर्न पास किया, इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोल पाए, कोण थीटा, देखो सर्किल में क्या होता था वो रेडियस होता था, तो ये मत सोचो कि वो सिद्धांत केवल जब दूरी होगी उसमें लगेगा, अरे कोई चीज यूनिफॉर्म हुई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई तो वो भी एक तरीके से सर्किल का काम कर रहा है, एक्सेलेरेशन हुआ तब भी लग जाएगा। तो आपने ये ट्रायंगल मान लिया जिसका रेडियस वी था और ये इसकी चाप थी, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं काम बन गया, क्या काम बन गया कि साहब ये बराबर इसके हो गया, एम आई राइट, कहने लगे कि सर अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें, इसके लिए छोटा सा डेल्टा टी ले लीजिए, भाई बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो आपने कहा डेल्टा टी से बात कर दी, मत काम बन गया आपका, वी तो कांस्टेंट थी, कांस्ट का तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, अरे भाई आपने लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मैग्नीट्यूड ले लिया, वी आ गया लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी थीटा बाई डी टी। अरे छोटा था थीटा था तो समय भी तो छोटा सा होगा, पट्टे से यहाँ पहुंच गया होगा, काम बन गया। आपने कहा तो सर डीबी बाई डी टी हो गया, और ये डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, न्यूटन साहब कह गए थे लिमिट टेंस टू जीरो टाइम की, तो ये इतना हो जाएगा। ये क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है, और ये क्या होता है? ओमेगा होता है। तो कौन सी एक्सेलेरेशन थी? टुवर्ड्स सेंटर वाली। तो देखिए एसी इज इक्वल टू वी ओमेगा निकाल लिया, आखिरी इक्वेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपने कहा सर ओमेगा की जगह हम बी अपान आर लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉपुलर इक्वेशन थी जो आप पढ़ के आए थे वो हो गए, और तीसरी वी की जगह आर ओमेगा रख दीजिए, वी की जगह आर ओमेगा रख दीजिए, और ये ओमेगा पहले से था तो आप कह सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, मरते दम तक रहेगा। इसलिए मित्रों आपने देखा कि जो एसी आप वहां पाए थे वो हम इधर से भी निकाल सकते हैं।